हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुजहत। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ये बेहतरीन सा शाम का नाश्ता। आप इसे बना करके खाएंगे, बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों। मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है दोस्तों। तो ज़रूर से आप भी ट्राई करिएगा। इसमें यूज़ होने वाले बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स जो कि हमेशा ही घर में अवेलेबल रहते हैं। तो देखें, यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ले लिया है। सूजी कोई हो, मोटी हो या महीन हो, आप ले सकते हैं। तो ये हमने आपको दिखा दिया, ये 1 कप है। और इसी कप से हमने 1/4 कप लिया है ये चीनी पाउडर। मिक्सी में हमें इसे ग्राइंड कर लिया है। चीनी पाउडर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इसी क्वांटिटी में हमने लिया है 1/4 कप ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और शुगर पाउडर दोनों आपको बराबर लेना है। 1 कप सूजी और ये 2 पिंच हमने सॉल्ट लिया है। पहले ये सूखे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। तो हम इसे अंडों के साथ ही मिक्स करेंगे इसे, और एक डो के फॉर्म में हमें इसे लाना है। बिल्कुल इसमें दूध नहीं डालना है, पानी वगैरह भी नहीं डालना है। और आप देखेंगे इसी से ये बाइंड हो जाएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये अभी बंध नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से मिक्स करते जाएँ ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ इकट्ठा करना है। तो देखिए ये इकट्ठा हो गया है। इसे ढक करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो वापस 6 से 7 मिनट के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके का है। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, इसमें टूटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें अंडा डाला हुआ है। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा ले और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से पहले इसे गोल कर ले, और हाथों से इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच गोल कर दे और इसे हल्का सा फ्लेट कर दे। बस इसी तरीके से हमें सारे बना करके रख लेना है। तो देख रहे हैं आप, इसी तरीके से हमने सारे बना करके तैयार कर लिया। और उसके बाद हमने तेल फ्राई करने के लिए चढ़ाया हुआ है चूल्हा पर। इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि तेल जो है मीडियम गर्म होना चाहिए और फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करिएगा। थोड़ा सा भी अगर आपने मीडियम किया फ्लेम को तो ये जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, इसलिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाइए। अगर ऐसा लगे कि तेल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो चूल्हा को फौरन बंद कर दें और 1-1.5 मिनट के बाद फिर से दोबारा ऑन करें तो तेल जो है वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन सा कलर इसका आया है और बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई हो चुके हैं और ये अंदर से कच्चे भी नहीं है। तो इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से, और जो बाकी बचा हुआ है उसे भी फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल कम वक्त में बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनकर के तैयार हो जाता है दोस्तों। तो ज़रूर से आप भी ट्राई करिएगा। मैंने इसे बनाया है फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो देखें यहाँ पर ये तैयार है बन करके, बहुत ही टेस्टी बना है। तो कैसी लगी वीडियो हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो।